इस लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x पावर 4। हमने डेरिवेटिव मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन बाय डेफिनेशन मेथड करना है, तो इसके लिए हमें वही स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में किए हैं। सबसे पहले मैं आपको कहती हूं कि y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि y इसके इक्वल है और ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाती है। हम स्टेप 1 शुरू करते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, टेकिंग इंक्रीमेंट लिख देती हूं मैं, टेकिंग, क्योंकि ऐसे ही आपने एग्जाम में सॉल्व करना है, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स। जो वेरिएबल्स होते हैं आपके पास x और y, उसका आपने इंक्रीमेंट लेना होता है, यानी उसमें कुछ ऐड करना होता है। जहां y है वहां आप y ऐड कर दें, जहां x है वहां हम x ऐड कर देंगे। तो ये सॉरी डेल्टा, यहां डेल्टा y ऐड किया, ये x है, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 4। राइट, अब क्या है डेल्टा y, अब हम इस y को राइट साइड पे मूव कर देंगे। जैसे ही हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस y। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 2। यहां मैंने कहा था y is equal to 2 divided by x raised to power 4, ये y की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगी, तो आप यहां लिखें पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 into 2। तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा y is equal to 2 divided by x plus डेल्टा x power 4 माइनस y क्या है 2x डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4। राइट, ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और जहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है। राइट, अब क्या है यहां पे, मैं यहां एक दफा दोबारा लिख देती हूं, डेल्टा y इज इक्वल टू 2x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4। राइट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म्स हैं इसलिए हमारे पास ये दोनों ही आएंगी एलसीएम में। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यहां हमारे पास रह गया 2 into x रेज टू पावर 4, यहां x4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 2 into x plus delta x रेज टू पावर 4। राइट, अब यहां से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी सेम आपके पास इसका आंसर आएगा, लेकिन अब हम मैंने ये शुरू कर दिया है तो हम इसी से इसको कर लेते हैं। राइट, अब क्या है, देखें ये हमारे पास इसमें से इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, पहले हम कॉमन लेते हैं, ये मैंने इसको कॉमन ले लिया तो यहां हमारे पास रह जाएगा x4, इसको अलग-अलग मैं ऐसे करके लिख लूं, x4 माइनस x plus delta x raised to power 4, ये ऐसे हो जाएगा। राइट, यहां से आपने बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से काम करना है क्योंकि यहां पे ये इसमें फार्मूला अप्लाई होगा। देखें 2 मैंने कॉमन लिया, ये x4 हो गया और ये क्या है x plus delta x raised to power 4। यहां पे ये कौन सा फार्मूला बन गया, ये हमारा एलजेब्रा का a square minus b square का फार्मूला हो गया, जो कि एक्सपेंड होके हो जाता है a plus b into a minus b। राइट, तो ये a है ये b है, इसको हम ऐसे करके भी मैं इसको लिख सकती हूँ, देखें ये ऐसे हो गया, ये हो जाएगा x square whole square minus ये क्या है x plus delta x square और फिर इसका भी square, इसको पे हम बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, देखिए इसका भी स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया और इसका भी स्क्वायर बन गया, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास x4 into x plus delta x whole raised to power 4 है। यहां पे मैंने क्या किया, एक दफा दोबारा बताती हूं, यहां से हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया और ये फार्मूला बन गया a square minus b square। अब ये पूरा a है, ये नहीं है कि सिर्फ आप x लिख देंगे, ये पूरा a है और x plus delta x होल स्क्वायर, ये पूरा इस पावर के साथ बी कंसीडर होगा,
ये इस पावर के साथ ए कंसीडर होगा, राइट। ये ऊपर वाली पावर नहीं, ये वाली पावर होगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे लिखती हूं मैं। ये हो जाएगा हमारे पास, यहां हमारे पास है डेल्टा वाई और ये हो जाएगा टू। देखें, एक दफा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक दफा हमने इसको पॉजिटिव में लिखा और एक दफा हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर को एक दफा देखें। ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, एक्स फोर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर फोर। अब ये तो पॉजिटिव है, राइट, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब इस दफा क्या होगा कि ये सिर्फ एक्स कंसीडर होगा, ए ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स कंसीडर होगा, बी इसकी पावर नहीं होगी। लास्ट टाइम इसकी पावर फोर थी, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को ए किया था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने एज इट इज लिखना है। यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर ये आपने एज इट इज लिखा, यहां से क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स माइनस प्लस डेल्टा एक्स, राइट। ये एक दफा हमने पॉजिटिव में लिखा, ये इस दफा ए है, पावर को नहीं कंसीडर करना सिर्फ ये, और यहाँ पे ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स बी है। तो एक दफा हमने ये पॉजिटिव के इसकी साइन नहीं चेंज करनी, इसकी करनी है। एक दफा पॉजिटिव में लिखा, एक दफा नेगेटिव में लिखा और होल डिवाइडेड बाय एक्स पावर फोर एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर फोर, ये बन गया हमारे पास, राइट। ओके, अब क्या है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे हो जाएगा ये, ये टू है हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। ये तो एज इट इज हुआ, ये देखें ये एक एक्स है प्लस एक्स है प्लस डेल्टा एक्स है, ये दोनों एक्स हैं, ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये ऐसे हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, इसमें सिर्फ हमारे पास डेल्टा एक्स रह गया, राइट। ये आपने कैलकुलेशंस हैं बहुत इजी, लेकिन बहुत ध्यान से करनी है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और कैसे ये होगा। ये हो गया हमारे पास, राइट, और ये माइनस ने इसको भी माइनस कर देगा, ये हो गया। ये हमारे पास स्टेप नंबर टू कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर थ्री में हमने इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, तो मैं यहां लिखती हूं स्टेप नंबर थ्री डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, विच इज इक्वल टू टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जो हमारे पास मौजूद था, ये ऐसे इसको चले एक ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। यहां रह गया था 2x प्लस डेल्टा x, राइट, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस डेल्टा x। इसको सबको मैंने ब्रैकेट में इसलिए किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां हमने इसको डेल्टा x, ये है x रेज टू पावर 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x पावर 4। ये डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास रह जाएगा नेगेटिव 2। यहां मैं लिख देती हूँ नेगेटिव 2, यहाँ क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर इंटू टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये रह गया, राइट, ये कैंसिल हो गया था हमारे पास। अब यहाँ ऊपर है एक्स रेज टू पावर फोर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर फोर, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है फोर्थ स्टेप पे, इस पे लिमिट लगानी है। स्टेप नंबर फोर, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, राइट। एक दफा मैं यहां पहले लिख भी लेती हूं ताकि उसके बाद डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और देखें न्यूमिरेटर में भी है हमारे पास, डिनोमिनेटर में भी टर्म्स मौजूद हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो यहां लिख देते हैं ताकि दोनों पे ये अप्लाई हो जाए। न्यूमिरेटर में हमारे पास है नेगेटिव टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर टू एक्स इंटू टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ हमारे पास है एक्स फोर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर फोर। जहां जहां हमारे पास डेल्टा एक्स है वहां हमने जीरो लगाना है, माइनस टू यहाँ तो नहीं लगेगा, ये एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स एज इट इज होगा आपके पास जीरो होल स्क्वायर इंटू टू एक्स कॉन्स्टेंट प्लस जीरो। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स फोर एज इट इज एक्स प्लस जीरो पावर फोर। और जब भी हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लगाते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पे तो ये डी वाई बाय डी एक्स हो जाता है, ये तो डी वाई बाय डी एक्स हो गया। अब यहाँ टू इंटू एक्स स्क्वायर रह गया, ये भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे राइट, ये भी एक्स स्क्वायर है क्योंकि जीरो है, और इसके साथ यहाँ पे टू एक्स रह गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स फोर मल्टीप्लाई बाय एक्स फोर, एक्स प्लस जीरो एक्स होगा और उसकी पावर भी एक्स फोर हो गई, तो ये हो जाएगा माइनस टू, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं राइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये दोनों के दरमियान प्लस है राइट, तो ये प्लस जब हो जाएगा तो ये इसका कोएफिशिएंट वन है, इसका कोएफिशिएंट वन है, माइनस टू ये है, इसको हम और ऐसे करके लिख लेते हैं, ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये ऐड हो रहा है और ये आप इसमें साथ मल्टीप्लाई है टू एक्स, और नीचे दोनों बेस सेम है, पावर आपकी ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एट। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इस तीनों को टू को मल्टीप्लाई कर लें, टू टू टाइम फोर, फोर टू टाइम्स एट, माइनस एट एक्स क्यूब क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर एट। अब देखें ऊपर आपके पास कम पावर्स हैं नीचे आपके पास ज्यादा है, तो आप इसको नीचे ले जाएं, ये डिवाइड हो रहा है, या सिंपल हम कह सकते हैं कि इसमें से थ्री पावर इसकी कट हो गई, तो कितनी रह गए इसकी पावर रह गई एट डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर फाइव, क्योंकि थ्री आपस में ये कट हो गए, यहाँ पे थ्री एक्स है यहाँ एट एक्स है, तो थ्री एक्स कट गए, यहाँ डिनोमिनेटर में फाइव एक्स रह गए, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एट डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर फाइव। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है, दो तीन दफा कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।